धड़कनों से है जिंदगी मेरी। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइस, जैसे कि स्क्रीन देख पा रहे हैं, कुछ अपन इस तरह का नया टाइप का वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे। गाइस, जो कैसे एडिटिंग करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं काइनमास्टर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो अब आपको ओपन कर लेना है काइनमास्टर। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके और गाइस 916 प्रिंसिपल नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने तक क्या होगा गाइस, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको करना है जो सेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, एडिटिंग पे क्लिक करना आपको, और फिल स्क्रीन क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। और अदर गाइस, थोड़ा बहुत इसका ऑर्डर वगैरह छोटा करना चाहते हो तो आपको 4 पे कर लेना है। अदर गाइस, आपके हिसाब से आपको वहाँ से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके करना गाइस, यहाँ से अपने सेटिंग वगैरह ठीक ठाक कर लिया। आपके करना जो पेन में मैंने ऑलरेडी फोटो डाउनलोड कर रखे थे, तो गाइस आपके फोटो की सेम वीडियो बना सकते हो जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया। तो डेमो के लिए गाइस मैं कुछ ये फोटो यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो आपके हिसाब से कोई से फोटो की भी आप वीडियो बना सकते हो। तो गाइस, इस तरह से आपको कर लेना है। मैं थोड़ा सा वीडियो को जूमिंग कर लेता हूँ। तो गाइस, इस तरह का मैंने फोटो डाउनलोड कर रखे थे। गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अपन कुछ इफेक्ट वगैरह लगाएंगे इन फोटो में। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर प्लस के आइकन पे, और जो मैंने एक इफेक्ट ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड कर रखा था, गाइस इस तरह का मैं ट्रांजेक्शन एक इफेक्ट इसमें लगा के दिख रहा हूँ। तो गाइस, क्या करना, आपको एक फोटो छोड़ना और इसके बाद आपको सेकंड वाले फोटो पे इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट को यूज़ करना है। और आप चाहो तो हर एक प्लस के आइकन क्लिक करके भी लगा सकते हो, लेकिन मैं एक बैक फोटो छोड़ रहा हूँ और इसके बाद सेकंड वाले फोटो पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं सभी फोटो में यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके हिसाब से आप देख लीजिए कितने फोटो में आपको इसको यूज़ करना चाहते हो। तो अपन क्या करेंगे, इसको फोटो को सब पे फोटो पे क्लिक कर करके थोड़ा और फोटो हम क्या करेंगे, इन फोटो को आपको 15-30 सेकंड कर लेने। आप जितनी बड़ी वीडियो बना रहे हो उतने इसका रोटेट के हिसाब से आपको इस वीडियो को कर लेना है, ठीक ना। इन फोटो को आपको रोटेट कर लेना है। तो मैं सभी फोटो को आपको स्क्रीन पे करके भी दिखा रहा हूँ। अदर गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसमें जो कमेंट भी कर सकते हो, अदर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पर्सनल SMS करके मुझसे बात करके पूछ भी सकते हो अदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से मैं 15 सेकंड का कर लेता हूँ। आप क्या करना गाइस, यहाँ से अपना वीडियो इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन फिर से लेयर पे चलते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ से कुछ एक मैं PNG इमेज दे दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में गाइस, तो वहाँ से एक आपको PNG डाउनलोड कर लेना है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का कुछ PNG मिलेगा मेरे पास जो कि गाइस मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, ठीक ना। तो गाइस, कुछ अपना इस तरह का PNG रहेगा। PNG लेने के बाद क्या करना गाइस, पहले तो सबसे पहले इसको इस तरह से रोटेट करके इसका मेंटेन आपको मिनिमम इतना कर लेना है, ठीक ना। यहाँ पे इतना एडजस्टमेंट रहना चाहिए और इतना बैकग्राउंड छूटना चाहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से अपन इस पर जो बैकग्राउंड अपन ने लिया है इस पर क्लिक करेंगे और इसका रोटेट कर लेंगे अपनी जो वीडियो हैगी उसी के बराबर, ठीक ना। इस तरह से आपको पूरे वीडियो के बराबर कर लेना है। वीडियो के बराबर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको जो अपन ने जो बैकग्राउंड इमेज लिया है इस पर क्लिक करेंगे। नीचे चलते क्रोमा की को ऑप्शन, क्रोमा की को ऑप्शन पे जाने के बाद इसको अनेबल कर देना। अनेबल करते कि हमको ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक ना। आप क्या करना, इसे आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद फिर से एक बार बैक आना, फिर से आपको क्या करना है, अपन को इस फोटो पे क्लिक कर लेना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट पे जाना और डुप्लीकेट एड लेयर लिखा है इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते हैं कि कुछ एक फोटो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरह, ठीक ना। इस तरह से फोटो डुप्लीकेट होने के बाद आपको 3 डॉट पे जाना और सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना। सेंड टू बैक पे क्लिक करते हैं कि हमको आपको फोटो इस तरह से डुप्लीकेट होके और ये पीछे की साइड पहुंच जाएगा। आपके करना का इस फोटो का रोटेट आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, आपके जो बैकग्राउंड के हिसाब से आपको इसका रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको चारों साइड से इस तरह से क्रॉप करके इसको अनेबल कर देना और इसके बाद इस प्लस के आइकन क्लिक कर लेना है और यहाँ से इस जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, इसमें क्या होगा, अपना फोटो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आपको फोटो में डाउट लगता है तो आपको क्या करना, फोटो क्लिक करना और आपको फिर से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना और इसका रोटेट थोड़ा बहुत आपको इससे बढ़ा देना है, इससे क्या हो जाएगा अपना फोटो इसमें मैचिंग हो जाएगा। देख सकते हो आप, कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है, जैसे ही अपने यहाँ पे जो दूसरा फोटो चेंज हो रहा है जैसे कि अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा अपन क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद आपको थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना है, फिर से आपको सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करना है, फिर से आपको जो कि डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके और गाइस यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के बाद आपको फिर से 3 डॉट पे जाना, सेंड टू बैक पे क्लिक करना है। और अगर आपका फोटो इस तरह से आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से 3 डॉट पे जाना और बैक फ्रंट पे आपको एक बार और क्लिक कर लेना। बैक फ्रंट पे क्लिक करते हैं कि आपका फोटो ऊपर की साइड आ जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद आपको इस फ्रेम में ऐड कर देना है इस फोटो को, ठीक ना। तो इस तरह से आपको कोई भी मिस्टेक नहीं रखना है ताकि आपकी जो मैंने वीडियो दिखाया था स्क्रीन सेम वीडियो बनके कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, इसमें मैं बहुत सारी कुछ प्रोसेस बताऊंगा तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और अदर गाइस, आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक ना। तो मैं चारों साइड से इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ से फिर से क्रॉप ऑप्शन पे जाएंगे, इसको अनेबल करेंगे और इसका रोटेट पे क्लिक करके बैक आ जाते हैं। देख लेते हैं अपना फोटो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, फिर से वीडियो को स्किप करेंगे, फिर से अपना सेकंड वाले फोटो पे, थर्ड वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, फिर से लेयर पे जाएंगे, ऐड द लेयर
और आपको फिर से सेम प्रोसेस कर लेना है, थ्री डॉट पे जाना है, सेंड टू बैक पे क्लिक करके इस तरह से कर लेना है। तो सभी फोटो में आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो गाइस मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। तो गाइस अपना लास्ट फोटो बचा इसको और कर लेते हैं। गाइस अपन इस पर क्लिक करते हैं फोटो पर और अपन थ्री डॉट पे जाते हैं, सेंड टू बैक पे क्लिक करके और इसको भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं जैसे अपन ने अदर फोटो उनको किया है। और अदर गाइस जैसे कि मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लिया था ताकि आपकी वीडियो लंबा ना हो, इसलिए तो अपन लास्ट फोटो को और क्रॉप करके मैं आगे प्रोसेस फटाक से चालू करता हूँ, ठीक ना। तो अपन इस फोटो को क्लिक करके देख सकते हो अपना फोटो ये एग्जाम फंड हो गया। तो गाइस आपके फोटो कुछ इस तरह से लगेंगे, देख सकते हो अभी वीडियो अपना कुछ इस तरह से दिखने लगा, कितना मस्त, जो कि अभी पूरा एडिटिंग भी नहीं हुआ, ठीक ना। इस तरह से कर लेना। अब जैसे गाइस आपने जो फर्स्ट फोटो ऐड किया था, जो कि जैसे सेटिंग के ऑप्शन पर जाकर जो इस फोटो पर क्लिक कर लेना है, फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, आपको एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको वेरिएंस नाम से एक वो मिलेगा ऑप्शन लास्ट में। तो आपको क्या करना है, इसको -100 कर देना है। -100 करते कि मुझे सेंटर पे आएगा, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद क्या करना है, बैकग्रेंटर जो कि लिखा है बैकग्रेंट, तो इसका रोटेट आपको अनेबल कर देना है। अनेबल करते कि हमको जैसे इंटरफेस आएगा, देख सकते हो, ठीक ना। अब क्या करेंगे, जो अपन सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस इस पे भी कर देंगे, इसको -100 करेंगे, बैक आएंगे और इसका रोटेट इस तरह से कर देंगे। तो इससे क्या होगा गाइस, इसका ब्राइटनेस लाइट जो कम हो जाएगा और अपना फोटो कुछ अच्छा लगने लगेगा जो कि सेकंड वाला। तो अपन क्या करेंगे, फिर से बैक आएंगे और इसी तरह से आपको क्या करना, सभी फोटो को इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेने हैं। और अगर गाइस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे कमेंट करके पूछ ले, मैं एक बार और आपको डिटेल्स में बता दूंगा। पहले -100 करना है इसको, 4 नंबर की लाइन को, और क्या करना है इसको अनेबल कर देना है, ठीक ना। तो एक क्या हो जाए, चारों साइड से अपना जो क्रॉप होता है उस तरह से इस फोटो को जो कि अपना ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा, या पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आपको सभी फोटो को कर लेना है। तो अपने दो फोटो और बचे, तो पहले इसको अनेबल कर देते हैं, इसके बाद अपन लास्ट में इस तरह से -100 कर देते हैं। लास्ट फोटो को कंप्लीट करें, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, इस तरह से -100 करेंगे, इसको अनेबल कर देंगे। तो कैसे इस तरह से आपको सभी फोटो को कर लेना है, देख सकते हो अभी कुछ अपने फोटो इस तरह से लग रहे हैं, ठीक ना। तो देख सकते हो इस तरह से फोटो लग रहे हैं। तो अपन फिर से लेयर पे जाते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक करते हैं। मीडिया ऑप्शन जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से अपन कुछ इफेक्ट वगैरह लगाएंगे, जो कि इसमें पहले से कुछ इफेक्ट बना रखे, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट रहेगा। तो कैसे अपन म्यूजिक कलर लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने इस पर स्प्लिट स्क्रीन पे जाके और पहले तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद पहले तो अपन कलर एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका कलर ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा अपन एडिटिंग कर लेते हैं कलर, ताकि इसका लाइटिंग वगैरह अच्छा हो जाए, तो अपना ये जो टेम्पलेट है उसका कुल लाइटिंग अच्छा देखा है। तो अपन बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद क्या करेंगे, इसका म्यूजिक करेंगे म्यूट, क्योंकि अपन इसमें अदर म्यूजिक लगाएंगे। यहाँ से म्यूजिक म्यूट कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से अपन चलते हैं नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे, और पहले तो अपन इसका स्क्रीन कर लेते हैं। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाकर स्क्रीन कर लेना, और आप क्या करना है, इसका डुप्लीकेट करके अपनी पूरी वीडियो कर देना, क्योंकि ये 8 सेकंड का आएगा और अपनी वीडियो पे लगाना है अपने का 16 सेकंड का, ठीक ना। तो 8 × 16 था, अपन डबल लेयर करके और इसको स्किप करके इस तरह से कर देंगे, तो अपनी क्या होगा, पूरी वीडियो में एक कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपनी वीडियो को अच्छी लगेगी, नहीं तो आधी वीडियो में आएगा और आधी वीडियो में इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कर लेना है, ठीक ना। तो अपन थोड़ा सा और बैक कर लेते हैं, तो इस तरह से रहेगा और देख सकते हो अपनी पूरी वीडियो में ही आ रहा है। और अगर आपकी थोड़ा बहुत वीडियो छूट रहा है तो क्या करना है, इसको इस तरह से स्किप कर देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। देख सकते हो पूरी वीडियो में अब आने लगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना इतना वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से लेयर पे जाना है और टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ से जो स्टिकर वाला इफेक्ट है इसको दबा कर रखना। दबा कर रखने वाले पहले जो अपन एक इफेक्ट लगाएंगे, इसके बाद ये लगाएंगे एक दिल वाला इफेक्ट लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इसको लगा लेना है, तो इससे क्या होगा, अपनी वीडियो एक्टिव लगेगी, एक्टिव वीडियो लगेगी, तो कुछ वीडियो भी अपना अच्छा लगेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, इसका लेयर भी अपनी वीडियो के बराबर कर देते हैं, ठीक ना। इस तरह से आपको कर लेना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर से अपने लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉर्डर PNG लगाएंगे, जो कि इस पहले से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले अपन स्प्लिट स्क्रीन पर जाते हैं, फिर से फिल स्क्रीन कर लेते हैं। फिल स्क्रीन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से जो अपन ने अभी बैकग्राउंड लिया है PNG वाला, जो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे चलते हैं ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे और इसका कर देते हैं स्क्रीन। तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड ब्लैक वाला हट जाएगा। आप क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसका रोटेट भी अपनी वीडियो के बराबर कर लेते हैं इस तरह, ठीक ना। इतना वीडियो कंप्लीट होने के बाद क्या करना गाइस, अब रहा इसमें सॉन्ग, तो अपन फिर से लेयर चलते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक करते हैं। चूँकि एक सॉन्ग मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा था, तो इस तरह का कुछ सॉन्ग रहेगा।
तो मैं इस सॉन्ग को लगा के दिखा देता हूँ, इसके बाद कुछ अपनी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से करेंगे अपन, सेम प्रोसेस कर देंगे, नीचे चलते हैं ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे और इसका कर लेते हैं अपनी स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद क्या करेंगे, जो अपना लेयर रहेगा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बढ़ाने के बाद इसको बीच में कन्वर्ट करेंगे अपने जो अपन ने इफेक्ट लिया है इसको। और अदर आपका फोटो में जैसे कि देख सकते हो, ये फोटो अपना थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा था, अपन फिर से फोटो करेंगे, क्रॉपिंग पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे। तो देख सकते हो ये सब गर्मों से एडजस्टमेंट होगा, कोई सा फोटो रह जाता है गाइस, सॉरी कम थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो अपने आप वीडियो चला के देख लेते हैं अपना वीडियो कुछ किस तरह से एडिटिंग हुआ है। तो गाइस देख सकते हो मैंने जैसे स्क्रीन पर दिखाया था सेम वीडियो अपना बन के कम्प्लीट होगा, जो कि मैंने आपको लाइव स्क्रीन पर आपको आंखों के सामने बना के दिखा दिया। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगता है तो गाइस मुझे कमेंट कर सकते हो, और अदर गाइस मैंने वीडियो कैसे लगा था, मुझे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।